तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंडिया से सऊदी अरब जो लोग आना चाहते हैं तो सऊदी एयरलाइंस का टिकट कब से बुकिंग शुरू हो चुका है, कितना टिकट का रेट चल रहा है, और जो लोग सऊदी अरब से इंडिया जाना चाहते हैं उन लोगों का भी बहुत कमेंट आ रहा था कि भाई हम सऊदी अरब से इंडिया जाना चाहते हैं, सऊदी एयरलाइंस का टिकट का रेट अभी कितना चल रहा है, कब से टिकट बुकिंग शुरू हो चुका है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आप इंडिया से आना चाहते हैं सऊदी अरब तो, और सऊदी अरब से अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं तो अभी टिकट का रेट कितना सऊदी एयरलाइंस का चल रहा है, कहाँ कहाँ से टिकट बुकिंग शुरू हो चुका है सऊदी एयरलाइंस का। तो चलिए आपको आज इस वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अभी टिकट बुकिंग करना भी नहीं मालूम था, वही लोग का जो है कमेंट आ रहे थे, बहुत दिन से आ रहे थे, मैं सोचा कि चलिए आप लोगों को जो है बता देना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं सऊदी एयरलाइंस का वेबसाइट पे गया हूँ, सऊदी एयरलाइंस का वेबसाइट पे गया, टिकट पे क्लिक किया हूँ, फ़्लाइट पे बुकिंग किया हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है कि 17 मई को सऊदी एयरलाइंस शुरू होने वाला है सऊदी नागरिक के लिए, तो अभी भी बहुत लोगों का उम्मीद जगा हुआ है कि भाई 17 मई को इंडिया से भी क्या खुल जाएगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि न्यूज़ में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि इंडिया से फ़्लाइट खुल जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत लोगों का उम्मीद जगा है कि भाई खुल जाएगा। तो देखिए खुल जाएगा तो फ़्लाइट भी तो टिकट भी तो शो करना चाहिए, 17 नहीं तो 18 के बाद शो तो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सऊदी एयरलाइंस का वेबसाइट पे गया, मैं 18 मई को फ़्लाइट का टिकट चेक करने गया और दिल्ली से रियाद का देखता हूँ कि टिकट का भी रेट चल रहा है तो कितना चल रहा है। लेकिन मैं 18 मई को जब सिलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो फ्लाइट बता रहा है, मतलब फ़्लाइट नहीं बता रहा है। तो मैं अगर 31 मई करता हूँ, लास्ट मई को करता हूँ, फिर भी ये फ़्लाइट सऊदी एयरलाइंस का शो नहीं हो रहा है दिल्ली से रियाद के लिए। लेकिन यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 जून को फ़्लाइट बुकिंग हो रहा है 1351 रियाल बता रहा है, जो कि दिल्ली से ये फ़्लाइट जद्दा जाएगा, 4 घंटा 15 मिनट लगाएगा, जो कि जद्दा दिल्ली से जद्दा, जद्दा से रियाद ये फ़्लाइट रहने वाला है, 4 घंटा में रियाद पहुँचा देगा। लेकिन इसका टिकट का रेट 1351 रियाल बता रहा है, क्योंकि आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि भाई कब से टिकट बुकिंग हो रहा है सऊदी एयरलाइंस का। अगर ये सऊदी एयरलाइंस इंडिया से सऊदी अरब के लिए चालू होता तो ये मई 18, 19, 20 से शो करने लग जाता, अभी से करने लग जाता, क्योंकि आदमी लोग टिकट बुकिंग करते हैं फटाफट आते। तो ये पकड़ के चलिए कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए अभी सऊदी एयरलाइंस नहीं चालू होने वाला है, जैसे आदमी लोग आ रहे थे 14 दिन अदर कंट्री बिता के, उसी तरीके से अभी जो है आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ मुंबई से फ़्लाइट, तो मुंबई से कब से फ़्लाइट टिकट बुकिंग हो रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मुंबई से भी टिकट बुकिंग 1 जून से ही हो रहा है, लेकिन मुंबई से टिकट का रेट थोड़ा ज़्यादा है, 1481 रियाल यहाँ पे शो कर रहा है, 1481 रियाल लगेगा, वो भी 1 जून से ही मुंबई से सऊदी अरब के लिए टिकट बुकिंग हो रहा है। दिल्ली से भी 1 जून से ही फ़्लाइट का टिकट बुकिंग हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजिंग था कि भाई क्या फ़्लाइट 18 मई को चालू हो जाएगा, लेकिन आप लोग का एक ही कमेंट आ रहा था, मैं जवाब दे रहा था कि 18 मई को ऐसा कहीं कोई सा भी गवर्नमेंट का वेब कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि फ़्लाइट चालू हो जाएगा, अगर चालू होता तो ज़रूर शो करता। आप लोगों को भी पता है कि आदमी लोग अभी से टिकट बुकिंग स्टार्ट कर देता और परचेसिंग कर देता ख़रीदने के लिए टिकट। अगर मैं अभी बहुत लोगों का सवाल था कि भाई मैं सऊदी अरब से इंडिया जाना चाहता हूँ टिकट का रेट अभी कितना चल रहा है, तो अगर आप रियाद से अब मुंबई या फिर दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली का मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि मैं यहां पे कर लेता हूं सऊदी अरब से 15 मई को कर लेता हूं, ठीक है 15 मई को अगर करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कोई फ़्लाइट नहीं बता रहा है सऊदी अरब से इंडिया के लिए, सऊदी एयरलाइंस का यहां पे कोई भी फ़्लाइट नहीं बता रहा है 15 मई को, ठीक है। लेकिन अगर 15 मई से मैं आगे अगर बढ़ता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ फिर से मैं चलो ये लास्ट महीना देख लेता हूँ, 31 मई देखता हूँ सऊदी अरब से इंडिया के लिए, 31 मई को फ़्लाइट बता रहा है, ठीक है 1020 रियाल बता रहा है। अगर आप सऊदी अरब से इंडिया जाना चाहते हैं रियाद से दिल्ली के, दिल्ली अगर आप रियाद से दिल्ली जाओगे तो 1020 रियाल बता रहा है सऊदी एयरलाइंस, वो भी 31 मई को बुकिंग हो रहा है, ये पूरा मई टिकट बुकिंग नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं इंडिया के लिए जो है अभी फ़्लाइट बैन है ये मई तक, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, ऑनलाइन डायरेक्ट मई में शो कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप ऑफिस में जाओगे, जो अगर आप सऊदी अरब से जाना चाहते हैं यहाँ पे ऑफिस है सऊदी एयरलाइंस का, वहाँ पे जाओगे हो सकता है कि वहाँ से मई में भी देता है, क्योंकि फ़्लाइट चालू है इंडिया तो जा रहे हैं बहुत लोग और टिकट बुकिंग करके जा रहे हैं, लेकिन ये और टिकट का कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कभी भी ये कैंसिल भी हो जाता है सऊदी एयरलाइंस का फ़्लाइट का। लेकिन अगर आपको इंडिया से सऊदी अरब जाना है तो चार्टर फ़्लाइट
वंदे भारत मिशन बहुत ऐसा फ्लाइट है जो कि आप इंडिया से अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिल गया होगा कि अभी सऊदी एयरलाइंस का टिकट बुकिंग हो रहा है, तो हो रहा है तो कितने का रेट चल रहा है, कब से बुकिंग हो रहा है, कमेंट आ रहा था उसका पूरा जवाब देने का कोशिश किया हूँ। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।